वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 8 ऑफ एनवायरनमेंटल साइंस, जो कि आपका कॉमन पेपर है सभी के सभी यूजी कोर्सेज का एनवायरनमेंटल साइंस के नाम से, जिसमें टोटल 9 लेसन है। ये हमारा एक तरीके से लास्ट लेसन है। इसके बाद जो आपका 9th लेसन है वो एक तरीके से प्रोजेक्ट वर्क है, तो उसको मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कॉमन डिस्कस करूंगी। आप सभी लोग उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो आज जो लेसन हम कर रहे हैं है डिजास्टर मैनेजमेंट, लेसन नंबर 8 है आपकी बुक का ये। वैसे बुक में आपको इसके लिए नंबर जो दिया हुआ होगा लेसन नंबर 18 दिया हुआ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ डिजास्टर इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ टाइम दैट कॉजेज वाइड स्प्रेड ह्यूमन मटेरियल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल लॉस विच एक्सेल्स द एबिलिटी ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटी और सोसाइटी टू कोप यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज। ये आपका डेफिनेशन है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर का, है ना। डिजास्टर का आपका मैनेजमेंट जो है एक तरह डेफिनेशन है कि एक सीरियस प्रॉब्लम होता है जो कि एक वाइड स्प्रेड होता है, जिसका कि एक ह्यूमन के लिए, मटेरियल चीज़ों के लिए, इकोनॉमिक हमारी इकोनॉमी के लिए और एनवायरमेंटल के जो लॉसेस क्रिएट करता है हमारे लिए, और जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज के दम पर कोप अप करने में एबल नहीं होते हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज अ वेरी वल्नरेबल टू ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स एंड फॉरेस्ट फायर। सभी की सभी चीज़ें जो मैंने अभी अभी डिस्कस आपको बताई है, सभी की सभी चीज़ों के लिए इंडिया बहुत प्रोन है, वल्नरेबल है, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, सब कॉन्टिनेंट इसे इसलिए कहा जाता है बेटे क्योंकि तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है। जब चारों तरफ से कोई लैंड जो है पानी से घिरा हुआ होता है तो उसे कॉन्टिनेंट कहा जाता है, लेकिन इंडिया तीन साइड से घिरा हुआ है इसलिए इसे सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और यहाँ पर प्लेटोज हैं, प्लेन्स हैं, हिली एरियाज हैं, माउंटेन्स हैं, जिनको कह देते हैं हम हिली एरियाज से कहा मैंने, आपके पास घाट्स हैं, फॉरेस्ट हैं बहुत घने घने, आपके पास मैनग्रोव्स हैं, तो साथ में रिवर्स भी हैं, कोस्टल एरियाज भी हैं। तो यहाँ पर ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर, सभी चीज़ें के लिए, इन सभी के सभी कैजुअलिटीज के लिए चांस पूरा पूरा बना रहता है। तो आप डिजास्टर्स जो है उनको रूटीनली दो भागों में बांटा जाता है, दो कैटेगरीज बनाई जाती हैं। एक तो है नेचुरल डिजास्टर्स जो कि नेचुरली अकर होते हैं, जैसे कि फ्लड आ गया कहीं पर, साइक्लोन आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, और दूसरे होते हैं ह्यूमन इंस्टिगेटेड, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो होते हैं। किसी जगह पर हमने बहुत ज्यादा फॉरेस्ट कट कर दिया हमने, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया, या फिर कहीं पर फायर हो गया, कहीं पर किसी बिल्डिंग में आग लग गई, तो है ह्यूमन इंस्टिगेटेड, उसको डिजास्टर कहा जाएगा। अब डिजास्टर मैनेजमेंट का डेफिनेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट एसेंशियली डील्स विद मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन एज फार एज अ डिजास्टर्स इवेंट इज कंसर्न्ड, एंड आल्सो हाउ इफेक्टिवली एंड सीमलेसली वन कोऑर्डिनेट दीज रिसोर्सेज। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है कि वो उन चीज़ों के साथ डील करता है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और जो रिसोर्सेज हैं, उनको इस तरीके से यूज किया जाए कि किसी डिजास्टर्स इवेंट के दौरान हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली और सीमलेसली उन चीज़ों को डील कर पाएं अपने रिसोर्सेज के जो भी हमारे पास हैं। ये है डिजास्टर मैनेजमेंट। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको हम किसी डिजास्टर्स मोमेंट पर बहुत सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर पाएं। डिजास्टर मैनेजमेंट एट द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल डील्स विद इशूज ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। इंडिविजुअल लेवल पर और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर यह डील करता है प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसके फैक्टर्स होते हैं। नाउ पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर मिटिगेशन। पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स टू से कोई डिजास्टर आया, होके चुका, उसके बाद हम कैसे मैनेज करते हैं, और डिजास्टर मिटिगेशन मीन्स टू से कोई डिजास्टर आया उस टाइम हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, किस किस तरह से हम लोग एक्ट करते हैं ताकि उसका असर हम पर कम से कम हो ड्यूरिंग डिजास्टर और आफ्टर डिजास्टर। डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इफेक्टिवली प्रिपेयरिंग फॉर एंड रिस्पॉन्डिंग टू डिजास्टर्स। मीन्स टू से डिजास्टर मैनेजमेंट है एक प्रोसेस है जो कि हमें प्रिपेयर करता है इफेक्टिवली प्रिपेयरिंग फॉर एंड रिस्पॉन्डिंग टू डिजास्टर्स। जैसे हम प्रिपेयर करें पहले से, कोई डिजास्टर आए उसके पहले ही और कोई आ जाए तब हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाता है। कि कोई आपके यहाँ कोई डिजास्टर आए उससे पहले आप किस तरीके से तैयार हैं, वो डिजास्टर चल रहा है कहीं पर, हो गया है, उस ड्यूरेशन में किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और डिजास्टर हो गया चुका है उसके बाद हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस तरीके से हम वहाँ पर क्या है कि अपना चीज़ों को नॉर्मलिटी की तरफ लेकर के आ रहे हैं, सब कुछ मिला करके पूरा का पूरा प्रोसेस डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाता है। It involves strategically organizing resources to lessen the harm that disasters cause. इसका purpose strategy इसकी यही होती है कि जो resources हैं उनको इस तरीके से organize किया जाए कि जो harm किसी भी disaster की वजह से होने वाला है वो कम से कम।
जितना भी कम हो पाए उतना कम उसको किया जाए, उसको लेसन किया जाए। ये लेसन की स्पेलिंग्स यहाँ पर बेटा गलत हो गई है, LESSEN है यहाँ पर, है ना। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिजास्टर प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ये किस तरीके से प्रिवेंशन, किस तरीके से है कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स लें कि कोई डिजास्टर हो ही नहीं, ये हो गया प्रिवेंशन। फिर अब प्रिपेयर्डनेस मीन्स टू से कोई डिजास्टर आएगा तो उससे पहले हम क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, रेडीनेस हमारा। कोई मान लो कहीं पर कोई आग लग सकती है तो उसके लिए हमने बाल्टियां रेत की भर के रखी हुई होती हैं, कहीं पर टांगी हुई होती हैं, कहीं पर हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए हुए होते हैं, दैट इज अ रेडीनेस और प्रिपेयर्डनेस। रिस्पॉन्स, कहीं पर आग लग गई उस ड्यूरेशन में हम क्या कर रहे हैं वो हमारा रिस्पॉन्स है, और रिकवरी, आग लग गई उसे बुझा दिया, उसके बाद चीजों को नॉर्मल, नॉर्मलसी की तरफ लेकर के आना, सभी चीजों को नॉर्मल करना, वो हमारा रिकवरी होता है। दीज रूल्स एंड एक्टिविटीज ऑन द प्री डिजास्टर, मीन्स टू डिजास्टर से पहले के जो भी हम करते हैं, प्लान करते हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी प्री डिजास्टर कहलाती हैं। ड्यूरिंग डिजास्टर, जो कोई डिजास्टर हो जाता है, कहीं पर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, उसके साथ साथ जो हम कर रहे होते हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं, इवैक्यूएट कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा ड्यूरिंग डिजास्टर कहलाता है। और पोस्ट डिजास्टर प्लान्स कहलाते हैं कि कोई डिजास्टर हो चुका उसके बाद हम किस तरीके से लोगों को वहाँ रिसेटलमेंट करते हैं, वो हमारा पोस्ट डिजास्टर प्लान कहलाता है। सिंस दीज एक्टिविटीज आर कॉम्प्लीमेंटरी एज वेल एज सप्लीमेंटरी टू ईच अदर, देर इज अ क्रिटिकल नीड फॉर कोऑर्डिनेटिंग दीज एक्टिविटीज, क्योंकि सभी के सभी बेटा कॉम्प्लीमेंट्री भी है। अगर आपकी प्री डिजास्टर प्रिपेयरनेस अच्छी है तो आपको ड्यूरिंग डिजास्टर कम एफर्ट करने पड़ेंगे, और ड्यूरिंग डिजास्टर आपने अच्छी तरीके से एफर्ट कर लिए तो आपको पोस्ट डिजास्टर प्लान जो है वो कम उनमें एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेटिंग भी है और सप्लीमेंट्री भी है, तो इसलिए इनको आपस में एक और ज़्यादा अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करने की इस टाइम जरूरत है। While not all natural calamities can be predicted and preventive, a state of preparedness and ability to respond quickly to natural calamity can considerably mitigate loss of life, property, human sufferings and restore normalcy at the earliest. Means to say कि natural calamities जो है उनको ना हम predict कर सकते हैं सारी की सारी को, और ना ही हम उनको prevent कर सकते हैं, उनसे बहुत सी हैं जिनसे हम preventive नहीं रह सकते, prevent नहीं किया जा सकता जिनसे, तो ऐसी condition में यही best है कि हम अपनी प्रिपेयरनेस ऐसी रखें, एक स्टेट ऑफ प्रिपेयरनेस ऐसी होनी चाहिए, हमारी रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि हम क्विकली उसको रिस्पॉन्ड कर सकें किसी भी नेचुरल कैलमिटी पर, और साथ में जितना भी कम हो सके उतना हम प्रॉपर्टी का, ह्यूमंस का लॉस कम से कम किया जाए, और जल्दी से जल्दी नॉर्मलसी की तरफ रिस्टोर किया जाए, हमें नॉर्मलसी जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें, ये हमारा पर्पज होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का। टुडे वी हैव अ रेंज ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फॉर अ रेंज ऑफ नेचुरल हजार्ड्स, आज बहुत सारे नेचुरल हजार्ड के लिए, फ्लड के लिए, साइक्लोन के लिए ना हमारे पास जो है क्या कि एक तरीके से एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास होता है। ऑल्दो दे आर मोर एक्यूरेट देन बिफोर एंड कैन हेल्प इन प्रिडिक्शन, बट इट इज़ नॉट इनफ टू इंश्योर कम्युनिटीज आर सेफ फ्रॉम डिजास्टर्स। हालांकि हमारे पास आज जो सिस्टम्स हैं वो पहले से बहुत एक्यूरेट है, मीन देन हम ये नहीं कह सकते कि आज हमारी जो कम्युनिटीज हैं वो पूरी तरह से डिजास्टर से सेफ है, आज भी हम उसको इंश्योर नहीं कर सकते, आज भी कैलमिटीज आती हैं और हमें उनके लिए प्रिपेयरनेस रखना पड़ता है, उनके लिए हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, उनके लिए हमें रिहेबिलिटेट भी करना पड़ता है। दिस इज वेयर डिजास्टर मैनेजमेंट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, और यहाँ पर जहाँ की हमें तैयारी करनी है, रिस्पॉन्ड करना है, आफ्टर इफेक्ट को देख करके उनको हमें शॉर्ट आउट करना है, तो वहाँ पर हमारा डिजास्टर मिटिगेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिटिगेशन क्या है? मिटिगेशन इज डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड एक्शन टेकन टू रिड्यूस लॉन्ग टर्म वल्नरेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ and the recovery property to natural hazards, while the preparatory response and the recovery phases of emergency management relate to specific events. ये आपका mitigation की, disaster mitigation की definition है, इसको आप अच्छी तरीके से बेटा याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपका अगर आता है क्वेश्चन disaster mitigation का क्वेश्चन आता है तो आपका ये काम आएगा, और अदरवाइज भी आप मिटिगेशन का जहाँ भी कहीं डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर आप इसको आप डेफिनेशंस को कोट कर सकते हैं, डिजास्टर का आपका डेफिनेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट का डेफिनेशन और मिटिगेशन का डेफिनेशन आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि जब आपका पूरा का पूरा पेपर जो है, पूरा का पूरा जो है टॉपिक, पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसी पर है, तो आपके डेफिनेशन कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगे। मिटिगेशन एक्टिविटीज हैव द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस रिपीटेटिव बेनिफिट्स ओवर टाइम, अगर हमने एक बार मिटिगेशन एक्टिविटीज कर ली, मान लीजिए हमने कहीं पर डैम्स बना दिए, या एक बार हमने कहीं पर कोई जो बिल्डिंग है फायर प्रूफ बना दी, या कहीं हमने कोई बिल्डिंग एक अर्थ क्विक प्रूफ बना दी, तो उससे हमें रिपीटेटिव बेनिफिट मिलती है, उससे जब भी कभी वहाँ फायर लगेगी हमें बेनिफिट होगा, जब भी कभी वहाँ अर्थ क्विक आएगा तो हमें बेनिफिट होगा, तो इससे हमें रिपीटेटिव बेनिफिट मिलते हैं। नाउ गोल्स ऑफ पोस्ट डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, पोस्ट डिजास्टर रिकवरी के जो प्लान के गोल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं?
और डिजास्टर मीन्स होते हैं कोई कहीं पर कोई डिजास्टर हुआ उसके बाद की जो गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं प्लानिंग के। आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज की इश्यूज, किसी भी जगह पर कोई कैजुअलिटी हुई है उसके बाद उस एरिया के जो की इश्यूज हैं वहाँ पर क्या बड़ी समस्याएं खड़ी हुई हैं, कौन सी प्रॉब्लम सबसे बड़ी हैं, उनको प्रायोरिटाइज करना और उनको आइडेंटिफाई करना और उनको शॉर्ट आउट करना सबसे पहला काम हमारा ये होता है। किसी जगह पर अर्थक्वेक आया है या किसी जगह पर बाढ़ आई तो वहाँ पर लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है हमें वो आइडेंटिफाई करेंगे। उन्हें पानी चाहिए, उन्हें खाना चाहिए, उन्हें कपड़े चाहिए, पहले क्या चाहिए उनको वो चीज़ हम सबसे पहले उनको प्रोवाइड करेंगे। मेडिसिन चाहिए उनको, एम्बुलेंस चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए वो सबसे पहले जो उनको चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि लोग घायल पड़े हैं हम खाना ले लेके जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं चलेगी बेटा। देन एस्टेब्लिश पार्टनरशिप, जितने भी वहाँ पर जो भी एजेंसीज काम कर रही हैं वो सभी के सभी मिल करके आपस में काम करें, ये वहाँ पर गोल होता है और डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग का। एंड देन डेवलप अ रिकवरी स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी बनानी होती है कि हम किस तरीके से पूरा का पूरा रिकवर करेंगे, आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे, क्या क्या काम हम करेंगे, किस तरीके से अंदर घुसेंगे, किस तरीके से बाहर आएंगे, हमारे पास क्या क्या सामान होगा, हर चीज़ की एक स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है बेटा। एंड देन इफेक्टिवली डायरेक्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास इंटरनल रिसोर्सेज हैं और एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली डायरेक्ट करना ताकि जो भी हमारा मिटिगेशन है वो प्रॉपर हो सके, इफेक्टिव हो सके। देन आइडेंटिफाई प्री डिजास्टर मिटिगेशन प्रोजेक्ट, तो प्री डिजास्टर मिटिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे थे किसी एरिया में कि यहाँ पर क्या क्या प्लानिंग्स की गई थी। नीचे से अगर मान लीजिए कहीं पर आग लग गई है तो प्री डिजास्टर मिटिगेशन क्या था, किसी ने आग के लिए रेत की बाल्टियाँ भर के टांगी होंगी, दैट वाज प्री डिजास्टर मिटिगेशन प्रोजेक्ट। तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको यूज करेंगे ताकि हमें जो हमने पहले से प्लानिंग की हुई है उसको हम यूटिलाइज कर सकें। उनको आइडेंटिफाई करना है, पहले हम ढूंढेंगे कहीं पर कोई पाइप तो नहीं है, कहीं पर कोई फायर एक्सटिंग्विशर तो नहीं, उनको ढूंढेंगे। ये हमारे प्री डिजास्टर जो मिटिगेशन प्रोजेक्ट है उनको आइडेंटिफाई करना है। देन इनहांस रिस्पॉन्स एंड प्रिपेयरनेस कैपेबिलिटीज, और साथ में अपनी रिस्पॉन्स करने की, रिस्पॉन्ड करने की और प्रिपेयरनेस कैपेबिलिटीज को इन्हांस करना कंसिस्टेंटली, ये हमारे पोस्ट डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग के गोल्स होते हैं। देन डिजास्टर प्रिपेयरनेस क्या होती है, इट टेक्स इंटू अकाउंट ऑफ एन एस्टिमेशन ऑफ इमरजेंसी नीड्स एंड आइडेंटिफाई द सोर्सेज टू मीट दीज नीड्स। इसमें क्या होता है, किसी भी इमरजेंसी को एस्टिमेट करना कि कहाँ पर इमरजेंसी आ सकती है, उस इमरजेंसी में हमारी क्या क्या नीड्स हो सकती हैं, उनके लिए रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। मान लीजिए अभी जैसे दिल्ली में अभी फ्लड का प्रिडिक्ट हुआ था कि फ्लड आ सकता है, तो हम लोगों ने क्या किया था, जो भी हमारी वैल्यूएबल चीज़ें थी उनको हमने संभाल लिया था, अपने सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स संभाल लिए थे, खाने पीने का सामान स्टॉक कर लिया था हमने, माचिस रख ली थी घर में, मोमबत्तियाँ रख ली थी, टॉर्च रख ली थी, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें ऐसी रख ली थी जो कि बिना पकाए भी खाई जा सकती हैं, जैसे भुने हुए चने होते हैं, सत्तू होता है, थोड़ी छोटी मोटी मेडिसिन रख ली थी, इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने स्टॉक की थी, क्योंकि ये हमारी प्रिपेयर्डनेस थी फ्लड के लिए, हमारी जो ये प्रिपेयर्डनेस थी एक तरीके से। तो प्रिपरेशन ऑफ वेल डिजाइंड प्लान्स टू स्ट्रक्चर द एंटायर प्री डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड फैमिलियराइजिंग द स्टॉक होल्डर्स पर्टिकुलरली द कम्युनिटी थ्रू ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन। जिसको अपनी कम्युनिटी को आप ट्रेन कर रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पर डिजास्टर आ सकता है तो आप ये चीज़ें स्टॉक कर लीजिए, या फिर आप इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना, जैसे अर्थक्वेक के लिए ट्रेनिंग दी जाती है पहले से पहले कि हाँ भाई अगर अर्थक्वेक आता है तो आपने क्या करना है, स्कूलों में मॉक ड्रिल्स वगैरह कराई जाती हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरनेस, प्रिपेयरनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके गोल्स क्या होते हैं, जो हम प्रिपेयरनेस रखते हैं उसके दो गोल्स होते हैं। पहला तो होता है दैट टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर आएगा उसका इम्पैक्ट हमने रिड्यूस करना है, कम से कम उसको करना है, और दूसरा टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ रिलीफ, जो रिलीफ बांटा जाएगा वहाँ पर जो भी रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका मैक्सिमम बेनिफिट मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, ये हमारे दो गोल्स होते हैं प्रिपेयरनेस के। देन बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिपेयरनेस, प्रिपेयरनेस के लिए हम क्या क्या करते हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर बेटा। पहला है डेवलपमेंट ऑफ लोकल वार्निंग एंड कम्युनिटी इवेल्यूएशन प्लान्स थ्रू कम्युनिटी एजुकेशन। कम्युनिटी को हम एजुकेट करते हैं, कम्युनिटी को वार्न करते हैं, उनको हम लोग बताते हैं कि अगर कभी ऐसी कैलमिटी आती है, ऐसा कुछ कैजुअलिटी होती है तो आपको क्या करना है। तो ये बेस्ट प्रिपेयरनेस का एग्जाम्पल है कि आप अपनी कम्युनिटी को ही, लोगों को ही एक तरीके से जागरूक कर दो कि अगर कोई कैलमिटी होती है तो उन्हें क्या करना है। दूसरा इवॉल्विंग लोकल रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर सच एज कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। लोकल स्ट्रक्चर हमने डेवलप कर लिया, लोकल लेवल पर दो चार हमने टीम बना ली कि अगर बाई चांस भूकंप आता है, बाई चांस आग लगती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो कैपेबल लोग हैं उनकी हमने टीम बना दी कि आप लोग ये करेंगे, आप लोग ये करेंगे, आप लोग ये करेंगे, आपसे ये चीज़ हो सकती है तो आप इसको कर लेना है ना। तो इस तरीके से हमने लोकल लेवल की टीम्स बना ली अपनी लोकल एरिया में, ये एक तरीके से प्रिपेयरनेस है हमारी।
देन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयरनेस बाय वे ऑफ स्टॉक पाइलिंग ऑफ सप्लाई, जो भी सप्लाई, जो भी चीज़ें चाहिए होंगी ड्यूरिंग किसी कैलेमिटी के दौरान, जो चीज़ें चाहिए होंगी उनको अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो है कोई स्टॉक कर लेता है ताकि जब उनकी ज़रूरत पड़े तो उनकी सप्लाई की जा सके। ये भी एक प्रिपेयरनेस है। एंड डेवलपिंग इमरजेंसी प्लान फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ, साथ में इमरजेंसी प्लान्स बना रहा रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए। जैसे स्कूलों में, आपने कॉलेजेस में, बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा आजकल चार्ट लगे होते हैं इवैक्यूएशन प्लान के, किसी भी मेट्रो में, एरोप्लेन में, हर जगह एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट के लिए आपको लिखा हुआ होता है इमरजेंसी एग्जिट। वहाँ पर आपने किस तरीके से एग्जिट करना है, कैसे शीशा फोड़ना है, किस तरीके से वहाँ से निकलना है, पूरा का पूरा दिखाया जाता है। इवन एरोप्लेन में आपको जब भी कोई ट्रेवल करता है तो पहले जो एयर होस्टेस होती है वो यही बताती है कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको रेस्क्यू करना है तो किस तरीके से इमरजेंसी एग्जिट करना है। तो ये सारी की सारी हमारी प्रिपेयर्डनेस है। देन मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टी सेक्टरल नेचर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। मल्टी डिसिप्लिनरी होता है क्योंकि हम बहुत सारे डिसिप्लिन में काम करते हैं, बहुत सारी तरह के काम करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया इन विच अवॉइड रेंज ऑफ इशूज दैट रेंज फ्रॉम फोरकास्टिंग करते हैं हम लोग, पहले से बताते हैं कि यहाँ पर भूकंप आ सकता है, या फिर यहाँ पर फ्लड आ सकता है, यहाँ पर साइक्लोन आ सकता है, यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है। देन वार्निंग, लोगों को अलर्ट करते हैं कि आप ये चीज़ें, ये एक्टिविटीज़ मत कीजिए, यहाँ पर इससे ज़्यादा नुकसान होगा। देन इवैक्यूएशन, मान लीजिए कहीं पर साइक्लोन आने ही वाला है, कहीं पर फ्लड आने ही वाला है, तो लोगों को कह दिया जाता है कि जगह को छोड़ दीजिए, यहाँ से आप बाहर निकल जाइए, यहाँ को, इस जगह को छोड़ के आप लोग इवैक्यूएट कर दीजिए इस जगह को। देन सर्च एंड रेस्क्यू, उसके बाद वहाँ पर सर्च होता है, रेस्क्यू होती है, कोई बाली, कोई वहाँ पर लोग रह गए हैं, कोई जिन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, कोई ऐसा रह गया उसको सर्च करना और उसको वहाँ से रेस्क्यू करके निकालना। फिर होता है रिलीफ रिकंस्ट्रक्शन, वहाँ पर रिलीफ बांटी जाती है, कोई लोग वहाँ पर मान लो वहाँ से नहीं निकल सकते हैं या फिर निकल भी गए हैं कहीं पर किसी जगह पर, कहीं और जाकर के उनको रिप्लेस कर दिया गया, वहाँ पर रिलीफ, जो उनको रिलीफ बांटा जाएगा। देन रिकंस्ट्रक्शन, फिर जो चीज़ें टूटी हैं, जब कोई कैलेमिटी हो चुकी, डिजास्टर हो चुका, सब शांत हो गया, उसके बाद वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं चीज़ों को, जो टूट गई हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करना, और अगर कोई चीज़ बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है तो उसको रिहेबिलिटेट करना, लोगों को दोबारा से वहाँ पर ले जाकर के रिहेबिलिटेट करना। ये सारे के सारे जो हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के काम होते हैं, और साथ ही इसमें बहुत तरह के लोग काम करते हैं एक साथ, इसलिए ये मल्टी सेक्टरल हो जाता है। मल्टी सेक्टर मीन्स कई सेक्टर्स इसमें काम करते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब एक एक अलग अलग लेवल के अलग अलग टाइप्स के काम होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के काम हमने अभी डिस्कस किए, फोरकास्टिंग, वार्निंग, इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू, रिलीफ कंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, ये हो गए हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी। और मल्टी सेक्टरल क्या होंगे कि जैसे उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स काम करते हैं, साइंटिस्ट काम करते हैं, प्लानर्स काम करते हैं, वॉलंटियर्स काम करते हैं, कम्युनिटी काम करती है, ये सारे के सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं जो कि किसी भी डिजास्टर के दौरान मिल करके काम करते हैं। तो इस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो एक मल्टी सेक्टरल प्रोसेस होता है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी भी है क्योंकि एक ही डिजास्टर में कई तरह के काम किए जाते हैं, और मल्टी सेक्टरल भी है क्योंकि बहुत तरह के लोग एक साथ मिल करके काम। तो आई थिंक आपको मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी सेक्टरल नेचर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का समझ में आ गया। देन इंडिया, इसमें मल्टी सेक्टरल में एक चीज़ और एक्सप्लेन की गई है यहाँ पर कि इंडिया जो है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहाँ पर कि फेडरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमारा लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर तीन तरह की गवर्नमेंट होती है, तीन लेयर्स होती है हमारे पास गवर्नमेंट की। तो किसी भी जगह पर अगर कोई कैजुअलिटी होती है, कोई डिजास्टर होता है, तो वहाँ की जो प्रॉपर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जिस स्टेट की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी असेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस चीज़ के लिए वो डिजास्टर के लिए एक तरीके से मैनेजमेंट करे। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में वो ओवरसीज स्टेट में फैल गया है, या फिर कई स्टेट में फैल गया है, या फिर गवर्नमेंट वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वहाँ पर उनको हेल्प करना पड़ता है, वहाँ पर रिलीफ, रेस्क्यू, प्रिपेयरनेस सब कुछ वहाँ पर करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। तो हमारी जो है गवर्नमेंट भी मिलकर के इसके लिए काम करती है। जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आया था, उसने यही कहा है कि सभी की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मिटिगेशन प्रोग्राम। कोई भी मिटिगेशन प्रोग्राम इफेक्टिव वे में चले उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं बेटा, कुछ चीज़ें हैं, कुछ एक्शंस लिए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, उनको हम पढ़ते हैं। पहला तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है हमारे यहाँ, जो कि प्राइम मिनिस्टर जिसके हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ये अपेक्स बॉडी होती है डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया के लिए, ठीक है। दूसरा, मिटिगेशन मेजर्स मस्ट इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एंड कल्चरल असेट्स ऑफ द कम्युनिटी। सिर्फ कम्युनिटी को ही नहीं बचाना है, कम्युनिटी के नेचुरल जो हमारे पास जो असेट्स हैं उनको भी बचाना है, जो कल्चरल असेट्स हैं उनको भी बचाना है। ये गाइडलाइंस होती है मिटिगेशन प्रोग्राम की मैनेजमेंट के लिए। और हजार डिडक्शन मेथड मस्ट टेक इनटू अकाउंट द वेरियस हजार्ड फेस्ड बाय द अफेक्टेड कम्युनिटी, देयर डिजायर्स एंड प्रायोरिटीज। किसी भी जगह पर जहाँ पर कोई हजार्ड हुआ है,
तो वहाँ पर हजार डिडक्शन मेथड जो होते हैं उसको, उसके इफेक्ट को कम करने के जो मेथड्स होते हैं उनमें वहाँ की जो अफेक्टेड कम्युनिटी है उसके डिजायर्स और प्रायोरिटीज को भी ध्यान दिया जाना चाहिए, उनको भी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, और अब हो सके तो उनके हिसाब से ही हमें हजार डिडक्शन मेथड को अपना लेना चाहिए। दैन मिटिगेशन प्रोग्राम, जैसे आपको बेटा याद होगा यूक्रेन के साथ जब वॉर हुआ था तो हमारे यहाँ के बहुत से बच्चे थे जो कह रहे थे कि हम अपने पेट को छोड़ करके नहीं आएंगे, तो उनको बचाने के लिए उनके पेट को भी साथ में लाया गया था। दैट वॉज हिजार्ड रिडक्शन मेथड वेयर द डिजायर्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटी वॉज कंसिडर्ड। मिटिगेशन प्रोग्राम मस्ट हैव ऑल्सो इंश्योर एंड इफेक्ट पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ एंड द कम्युनिटी। मिटिगेशन प्रोग्राम में इन सभी की आपस में कोऑर्डिनेशन भी अच्छी तरह से होनी चाहिए, पार्टनरशिप अच्छी तरह से होनी चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले, मिनिमम हमारा लॉस। नाउ द मेन एलिमेंट्स ऑफ अ मिटिगेशन स्ट्रेटजी, क्या क्या होते हैं इसके एलिमेंट्स, क्या क्या होते हैं? रिस्क असेसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। किसी जगह पर कोई जगह है वहाँ पर कितना रिस्क है, वहाँ पर कितनी वो एरिया कितना प्रोन है किसी कैजुअलिटी के लिए, उस चीज़ को किया जाता है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉटस्पॉट एरियाज ऑफ प्राइम कंसर्न, किस जगह पर कोई कैजुअलिटी हो सकती है, कहाँ पर ज़्यादा चांसेज हैं होने के, वो हमें एक तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। देन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन पास्ट नेचुरल हजार्ड, वहाँ पर पहले जो इस तरह के कोई इंसिडेंट्स हो चुके हैं उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। फिर इंफॉर्मेशन ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन द पॉपुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उस जगह पर क्या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या वहाँ पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, क्या क्या वहाँ के कल्चरल असेट्स हैं जो कि बचाए जाने चाहिए कोई कैजुअलिटी होती है उस कंडीशन में, वहाँ पॉपुलेशन कितनी है, किस तरह के लोग हैं, वहाँ का नेचुरल इकोसिस्टम किस तरह का है, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें बचाया जाना चाहिए अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, ये सब आइडेंटिफाई किया जाता है पहले से ही। देन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, इस सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अ रिस्क असेसमेंट शुड बी डन। उसके बाद एक रिस्क असेसमेंट किया जाता है जिसमें कि वहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी है किसी कैलेमिटी के होने की, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने कितने ड्यूरेशन में आता है। मान लीजिए कोई वॉल्केनिक एक्शन कहीं पर होता है, कहीं पर कोई वॉल्केनो फटता है, बार बार फटता है, तो उसका हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या, कितने साल में फटता है वो, इंटेंसिटी हो कितना ज़्यादा उसमें से लावा निकलता है, क्या उसकी इंटेंसिटी होती है, कितना तेज होता है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कितने एरिया को वो इफेक्ट डालता है, और द टाइम टेकन टू रिटर्न टू नॉर्मलसी आफ्टर द डिजास्टर, किसी वॉल्केनो के बाद वहाँ पर कितना टाइम लगा नॉर्मलसी को आने में, ये सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। इनके बिहाव पर रिस्क असेसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस होता है। देन अप्लाइड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसमें हमारे पास जो हमारे पास अपग्रेडेड वर्जन है इक्विपमेंट्स के, रिमोट सेंसिंग के, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के जो कि GPS कहा जाता है, उनको एस्टेब्लिश करना, मॉनिटर द हजार्ड प्रॉपरली, उनको प्रॉपरली मॉनिटर करना और उनकी फोरकास्टिंग की वार्निंग की जो हमारी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इसरो है, NBRO है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारा, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, ये सभी के सभी साथ में एक तरह से पार्टनरशिप करके आपस में मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ कॉलिब्रेट करके एक तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। आपने देखा होगा स्कूलों में फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह यूज़ करना सिखाते हैं, यहाँ के पुलिस वाले सिलेंडर में बाई चांस आग लग गई है तो कैसे बुझाएं वो दिखाते हैं, यहाँ करके करके दिखाते हैं, बच्चों से भी करवाते हैं। देन पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, पब्लिक को अवेयर किया जाए, उनको ट्रेनिंग दिलाई जाए ना, साथ में जो ऑफिशियल्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो कि इसकी डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होंगे उनकी ट्रेनिंग कराई जाए स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर जगह। देन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स असेंशियल टू हैव अ परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, एक परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि सारी की सारी जितनी भी प्लानिंग्स हो रही हैं, जितना भी प्रिपेयर्डनेस हो रहा है उसको सारे को मॉनिटर करे, उसमें जो भी नेसेसरी सजेशन है वो दे मिटिगेशन मेजर्स के लिए। ये काम हमारा करता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो कि NDMC कहा जाता है, ये इस काम को प्रॉपरली कर सकता है और करता है। प्रोफेशनल्स लाइक आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, केमिकल इंजीनियर्स, ये सभी के सभी लोग मिलकर के मिटिगेशन मेजर्स बनाते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना होगा दिल्ली में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स हैं उनको गिराया जाना है क्योंकि वो जो है अनसेफ डिक्लेयर कर दिए गए हैं, तो उसके पीछे क्या है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ही है जिसने कि ये बताया है, ये प्रिडिक्ट किया है कि ये जो एरिया है ये सेफ नहीं है, किसी भी टाइम गिर सकते हैं, ये जो फ्लैट्स हैं इनको तोड़ दिया जाए। तो एक तरीके से ये सब लोग मिलकर के पार्टनरशिप में काम करते हैं। देन इंसेंटिव्स एंड रिसोर्सेज फॉर मिटिगेशन, इंसेंटिव दिए जाए, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाए, कोई किसान है उनके जानवरों का इंश्योरेंस कर लिया जाए, उनके क्रॉप का इंश्योरेंस कर लिया जाए, लोगों के घर का इंश्योरेंस कर लिया जाए, घर के सामान का इंश्योरेंस कर लिया जाए, खुद लोगों का इंश्योरेंस कर लिया जाए,
कहीं पर कोई कैजुअलिटी हो गई तो लोगों को उसके लिए कुछ इंसेंटिव दे दिया जाए ताकि वो लोग अपने आप को दोबारा से वहाँ पर एस्टेब्लिश कर सकें, दोबारा से अपने वहाँ पर जो है रिहेबिलिटेशन कर सकें, उसके लिए इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। देन लैंड यूज प्लानिंग एंड रेगुलेशन, लैंड यूज किस तरीके से करना है, किसी जगह पर फैक्ट्री बनाई जानी चाहिए या नहीं बनाई जानी चाहिए, किसी जगह पर जैसे कि अभी ट्विन टावर्स तोड़े गए थे बेटा नोएडा के ना, वे किस जगह पर पार्क रहना चाहिए, ग्रीनरी रहनी चाहिए, किस जगह पर बिल्डिंग्स रहनी चाहिए, किस जगह पर वेटलैंड रहनी चाहिए, किस जगह पर खेत रहने चाहिए, ये सारा का सारा अगर तरीके से यूज किया जाएगा तो बहुत सी कैजुअलिटी से बचा जा सकता है। उसके लिए प्रॉपर लैंड यूज पॉलिसीज का फॉर्मेशन होना चाहिए और उनको सही से प्रैक्टिस में लाया जाना चाहिए। देन हजार्ड रेजिस्टेंट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, जो भी मकान बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो हजार्ड रेजिस्टेंट बनाई जाए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाई जाए, फ्लड रेजिस्टेंट बनाई जाए ना, उसके लिए मटेरियल ऐसा यूज किया जाए, उसके लिए टेक्निक्स ऐसी यूज की जाए, उसका नक्शा इस तरह का बनाया जाए कि वहाँ पर इस तरह की चीजें ना आए, साथ में जो इलेक्ट्रिकल हमारे सर्किट्स वगैरह हैं वो जमीन से थोड़ा ऊंचाई पर दिए जाएं ताकि कभी बाई चांस फ्लड आ भी जाता है तो वहाँ पर क्या है कि करंट वगैरह ना फैले, इस तरह की चीजें, स्टोरेज टैंक्स वगैरह, पानी के वाटर स्टोरेज टैंक्स वगैरह इस तरीके से डिजाइन किए जाएं कि वो साइक्लोनिक विंड्स वगैरह को झेल सकें, अर्थक्वेक को झेल सकें। इस तरह के प्रिकॉशन, छोटी छोटी प्रिकॉशन से थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज करना, थोड़ा सा रिइंफोर्समेंट, इसी से हम बहुत सी जो हमारी जो कैजुअलिटीज हैं उनसे बच सकते हैं। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे आर्किटेक्ट्स, हमारे इंजीनियर्स और हमारे टेक्निकल पर्सनल्स बड़े आराम से बता देते हैं। बेटा ये सब तो थी हमारी प्रिपेयरनेस और सारे के सारे हमारे जो है क्या क्या एक्शंस। अब हम पांच कैलेमिटीज के बारे में पढ़ेंगे, पांच डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया में आमतौर पर आते हैं, उस टाइम क्या वो इफेक्ट डालते हैं किसी भी जगह पर, और उसमें किस तरीके से हम बच सकते हैं, क्या क्या किया जाना चाहिए, अब हम ये पढ़ेंगे। फ्लड के बारे में पढ़ेंगे हम, साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये पांच चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है फ्लड। एज पर हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज, ओनली 18% ऑफ द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन डैम्स एंड रिजर्वर्स, यानी कि जो हमारा टोटल जितनी भी बारिश होती है, जितना भी रेन वाटर आता है लैंड पर, उसका केवल 18% हम लोग डैम्स में और रिजर्वर्स में बचा पाते हैं, बाकी का 82% जो वाटर होता है हमारा रिवर्स के थ्रू अल्टीमेटली सी में वापस चला जाता है, ओशन में चला जाता है वापस। फ्लड्स आर देयरफॉर अ रिकरिंग फिनोमिनन इन आवर कंट्री, और यही कारण है कि हमारे यहाँ फ्लड जो एक रिकरिंग फिनोमिनन है, रिपीटेडली हम लोग उनको फेस करते हैं, क्योंकि बहुत सारा पानी हमारा ओशन में चला जाता है और वो वापस आकर के हमें अटैक करता है, तो इस तरीके से फ्लड आता है। कैन बी कॉज्ड बाय नेचुरल, इकोलॉजिकल और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, इधर इंडिविजुअली और एज अ कंबाइंड रिजल्ट। ये नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हो सकते हैं, और इंडिविजुअल फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर इनके सबके कंबाइंड रिजल्ट भी हो सकते हैं। फ्लड किसी भी कारण से आ सकता है, उनके कॉजेस थोड़े से बताए गए हैं यहाँ पर, देख लीजिए बेटा। फ्लड इन रिवर इज कॉज्ड बाई, मेनली कॉज्ड बाई इनएडिक्वेट कैपेसिटी विद इन द बैंक्स ऑफ द रिवर टू कंटेन हाई फ्लो, एकदम से हाई फ्लो आ गया वाटर का और हमारी रिवर के अंदर कैपेसिटी नहीं है उसके बैंक्स में उसको बेयर करने की, तो पानी एकदम से फैल जाएगा, फ्लड आ जाएगा। रिवर बैंक इरोजन, रिवर बैंक जो है रिवर के जो किनारे हैं वो मिट्टी जो है वो पानी में एकदम से बहनी शुरू हो जाए, सिल्टिंग हो जाए रिवर बेल्ट की, तो फिर फ्लड आ जाता है, पानी बढ़ता चला जाता है। लैंडस्लाइड हो जाए रिवर कोर्स के चेंज जो है, रिवर कहीं पर रास्ते में कोई लैंडस्लाइड हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, रिवर का जो हमारी है रूट चेंज हो गया, रिवर ने डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो जो नया उसका जो डायरेक्शन लेगी, जो उसके नए रूट पर जो चीजें पड़ेंगी वो सब फ्लड के शिकार बन जाएंगे। देन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लड इन द मेन ट्रिब्यूटरी रिवर्स, यानी कि फ्लड जो है आपको पता है कुछ मेन रिवर्स है हमारे यहाँ, जैसे कि सिंधु है, गंगा है, और उनकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स होती है बहुत सारी, तो किसी मेन रिवर में अगर मान लीजिए फ्लड आ गया, उसके जितने भी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं उनमें फ्लड आ जाता है, या किसी ट्रिब्यूटरी रिवर में फ्लड आ गया है, तो उसकी वजह से कभी कभी मेन रिवर में भी फ्लड आ जाता है। फ्लो रिटार्डेशन ड्यू टू टाइडल एंड बैक वाटर इफेक्ट, टाइड्स आ जाते हैं कहीं पर तो उससे जो है क्या कि फ्लो होता है रुक जाता है, या फिर बैक वाटर इफेक्ट बोलते हैं किसी जगह पर बेटा ग्रेविटी का कुछ ऐसा बन जाता है कि पानी बैक करने लग जाता है, पानी बैक आने लग जाता है और आगे की तरफ बढ़ना बंद हो जाता है, तो उससे भी कई बार फ्लड आ जाते हैं। देन पुअर नेचुरल ड्रेनेज, कई बार नेचुरल ड्रेनेज जो होते हैं वो पुअर होते हैं, उसकी वजह से फ्लड आ जाता है। देन साइक्लोन एंड हैवी रेनफॉल, इसकी वजह से भी फ्लड आता है। इफेक्ट क्या होते हैं, हैवी सफरिंग टू पीपल लिविंग इन लो लाइन एरिया, जो निचले इलाके में लोग रह रहे होते हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है, उनकी प्रॉपर्टीज या तो डूब जाती हैं या फिर वॉश्ड अवे हो जाती हैं, बह जाती हैं।
इसमें अधिकतर जो होते हैं रूरल फोक्स होते हैं इसके विक्टिम्स, क्योंकि और जो कि ऑलरेडी इकोनॉमिकली पुअर होते हैं, उनके पास पक्का मकान नहीं होता, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो अपने लिए ऊंचाई पर मकान बना पाए, तो अगले साल फिर से बाढ़ आ जाती है और फिर से उनका सब कुछ बह जाता है। फ्लड्स ऑल्सो डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। साथ में फ्लड जो आते हैं उनकी स्टैंडिंग क्रॉप जो होती है, खेतों में जो क्रॉप खड़ी होती है, जो उनके एनिमल्स होते हैं, पेट्स होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। तो जो गरीब लोग होते हैं वो और ज्यादा गरीब हो जाते हैं इस तरीके से। नाउ व्हाट आर द मिटिगेशन मेजर्स फॉर फ्लड? रिजर्वर्स फॉर एम्पावरिंग मॉनसून फ्लोज टू बी रिलीज इन रेगुलर मैनर। रिजर्वर्स बना लिए जाए ताकि जो पानी है मॉनसून का उसको हम लोग स्टॉक कर सकें। जैसे आजकल आप पढ़ते हैं बेटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह का बहुत ज्यादा चल रहा है ना, आफ्टर द पीक फ्लड फ्लो पासिस, और उसके बाद जो कि आपका जो पीक फ्लड है वो जब बह जाता है, पानी जब चला जाता है, उसके बाद जो हमारा रिजर्वर्स हैं उनको कहीं ना कहीं उनको और गहरा कर लिया जाए, उनमें जो मिट्टी या गद जो जम जाती है उसको निकाल दिया जाए ताकि अगली बार फिर से जब पानी आए तो उसकी कैपेसिटी बढ़ ही रहे। रिजर्वेशन ऑफ ओवर बैंक स्पिलिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बार्कमेंट एंड फ्लड वॉल्स। फ्लड वॉल्स बना लिए जाएँ, एम्बार्कमेंट बना लिए जाएँ, साथ में फ्लो कंडीशन जो है चैनल्स की वो हमें इम्प्रूव कर दी जाएँ। इरोजन मेजर्स, एंटी इरोजन मेजर्स लिए जाएँ, प्लांटेशन कर दिए जाए, घास उगा दी जाए, ड्रेनेज को इम्प्रोवाइज कर दिया जाए, है ना। साथ में फ्लड प्लेन जोनिंग कर दी जाए और फ्लड प्रूफिंग इंक्लूडिंग डिजास्टर प्रिपेयरनेस। डिजास्टर प्रिपेयरनेस के बाद अगर हम लोग करते हैं तो हम जिस एरिया में फ्लड आने के चांसेस है उसको हम पहले से बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो कर लें। देन मेंटेनिंग वेटलैंड, वेटलैंड को मेंटेन कर लें फ्लड प्रोन एरिया में। देन फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सर्विसेज हमारी अगर अच्छी रहेंगी तो फ्लड आएगा भी तो उससे हमारा ह्यूमन लॉस नहीं होगा, प्रॉपर्टी लॉस नहीं होगा, लाइफ स्टॉक का हमारा लॉस नहीं होगा। हालांकि क्रॉप को तो हम कहीं नहीं ले जा सकते, उसका लॉस तो होगा ही ओबियसली, इवन देन हम अपनी प्रॉपर्टी को, अपने असर्स को बचा सकते हैं। डिजास्टर रिलीफ एंड पब्लिक हेल्थ मेजर्स, साथ में किसी जगह पर अगर फ्लड आता है बेटे तो वहाँ पर बाद में बीमारियाँ भी फैलती हैं, तो उसके लिए पब्लिक हेल्थ मेजर्स भी अपनाने पड़ते हैं। देन फ्लड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किया जा सकता है ह्यूमन का, उनके क्रॉप का, उनके लाइफ स्टॉक का, उनकी प्रॉपर्टीज का हम इंश्योरेंस कर सकते हैं ताकि जब वापस वो आए अपनी जगह पर रिहेबिलिटेशन के लिए तो उनके पास कुछ पैसा हो जिससे वो अपने आप को आसानी से वहाँ पर रिसेटल कर सकें। द वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड फॉर फूड फ्लड मिटिगेशन में भी कैटेगराइज अंडर टू ग्रुप्स, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल। दो तरह के मिटिगेशन प्रोग्राम चल सकते हैं फ्लड में। द मेन थ्रस्ट ऑफ द फ्लड प्रोडक्शन प्रोग्राम अंडरटेकन इन द कंट्री सो फार इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल मेजर्स मे बी ग्रुप इनटू द फॉलोइंग। डैम्स और रिजर्वॉयर्स बनाए जाएं, फ्लड वॉल्स और सी वॉल्स बनाए जाएं, नेचुरल डिटेंशन बेसिस बनाए जाएं, चैनल इंप्रूवमेंट किया जाए, ड्रेनेज इंप्रूवमेंट किया जाए और फ्लड वाटर का डाइवर्सन कर दिया जाए। ये सारे के सारे हमारे जो है कि प्री फ्लड मैनेजमेंट एक तरह से मेजरमेंट है। हमारे पोस्ट फ्लड मैनेजमेंट क्या है? स्पीडी रेस्टोरेशन ऑफ रोड, रेल रूट एंड पोस्टल सर्विसेज, ताकि जहाँ पर कैजुअलिटी हुई है, जहाँ फ्लड आया है, वहाँ के रोड को रिस्टोर किया जाए, वहाँ के रेल रूट को रिस्टोर किया जाए और पोस्टल सर्विसेज को वहाँ के जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए ताकि वहाँ पर नॉर्मल सी रिटेन हो पाए। नॉर्मल वाटर सप्लाई इन द अफेक्टेड एरियाज ईदर बाई अरेंजिंग टैंकर्स और फायर टेंडर्स, वहाँ पर नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई बढ़ाई जाए फटाफट ताकि लोगों को पीने के पानी की वजह से कोई परेशानी ना हो। रिपेयर ऑफ द पावर टेलीफोन एंड सीवेज लाइन्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस सो दैट नॉर्मलसी रिस्टोर, नॉर्मलसी रिस्टोर करने के लिए वहाँ पर टेलीफोन की लाइन्स की, पावर की लाइन्स की और सीवेज लाइन्स की सप्लाई जो है रिस्टोर किया जाए, जो भी कोई टूट गई उनको रिपेयर किया जाए। अरेंजमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग टू द मरूड पीपल, जो विक्टिम्स हैं उनके लिए फूड की सप्लाई की जाए प्रॉपर, उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड कराया जाए, उनको क्लॉथिंग प्रोवाइड कराई जाए, कपड़े दिए जाए उनको। इंश्योरिंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ POI एंड केरोसिन ऑयल एंड कीपिंग द सप्लाई लाइन मूविंग, और केरोसिन ऑयल वगैरह वहाँ पर प्रॉपर सप्लाई की जाए और साथ में जो सप्लाई है वो सप्लाई लाइन जो है वो मूविंग रहे। जैसे कि LPG गैस के कनेक्शन जो होते हैं आजकल पाइपलाइन के चलने लगे हैं, इनकी जो है सप्लाई जो है रिस्टोर की जाए और उसे चालू रखा जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सर्वे टीम टू असेस द लॉस एंड कंपनसेशन टू बी गिवन टू द अफेक्टेड पॉपुलेशन, जो इफेक्टेड पॉपुलेशन है जो उससे अफेक्टेड हुई है वहाँ पर एक सर्वे टीम बनाई जाए जो ये देखे किसका कितना नुकसान हुआ है ताकि उनको उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली कंपनसेशन दिया जा सके। रिपेयरिंग एंड रिबिल्डिंग ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है उनको जो नुकसान हुआ है उनको रिपेयर किया जाए, रिबिल्ड किया जाए और साथ में डीवॉटरिंग ऑफ द इनंडेटेड एरिया, जो इनंडेटेड एरिया जहाँ पर डूब चुके हैं पानी में उनका जल्दी से जल्दी पानी निकाला जाए और अप्रोप्रिएट मेजर लिए जाए एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए ताकि वहाँ पर जो क्रॉप के कारण जो नुकसान हुआ है, क्रॉप जो पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है उनको ठीक से निकाला जाए, वहाँ से उनको लोगों को बचाया जाए, वहाँ से उनके नुकसान से उनकी इंश्योरेंस वगैरह की जाए।
नाउ अरेंजमेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर फ्लड, क्या क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाएँ। ऑर्गेनाइजिंग शेल्टर फॉर द पीपल इन डिस्ट्रेस, जो लोग इसके अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए शेल्टर ऑर्गेनाइज किए जाएँ। रिलीफ मेजर फॉर नॉन ऑफिशियल एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन ऑफिशियल्स हैं और जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी तरफ से रिलीफ मेजर चलाए जाएँ, उनके लिए चलाए जाएँ, उनकी तरफ से चलाए जाएँ। ऑर्गेनाइजिंग रिलीफ कैंप्स, प्रोविजन ऑफ बेसिक अम्यूनिटीज लाइट, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ केयर, ये सारी की जो बेसिक अम्यूनिटीज हैं इनका प्रोविजन अच्छे से किया जाए ड्यूरिंग एंड आफ्टर फ्लड, है ना। अरेंजमेंट ऑफ कुक्ड फूड इन द रिलीफ कैंप, जो रिलीफ कैंप बने हैं वहाँ पर कुक्ड फूड जो है वो लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि खाना बनाने के इंडिविजुअली किसी के पास भी रिसोर्सेज नहीं होते हैं। देन मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर एयर ड्रॉपिंग ऑफ फूड पैकेज, कहीं पर ऐसा हो गया कि लोग फंस गए हैं फ्लड में, वहां से निकाले नहीं जा सकते हैं, तो उनको एयर पैकेज ड्रॉप किए जाएं, एयर के थ्रू फूड के पैकेज को ड्रॉप किए जाएं, इसका ही तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए। देन ऑर्गेनाइजिंग इनफ रिलीफ पार्टीज टू रेस्क्यू द मरून पीपल, जो लोग हैं कहीं पर फंसे हुए उनको निकालने के लिए, या रिलीफ पार्टीज हमारे पास इनफ होनी चाहिए, काफी मात्रा में हमारे पास काफी अमाउंट होना चाहिए हमारे पास रिलीफ पार्टीज का, ऐसा ना हो 2,000 लोग ही लगे पड़े हैं, बहुत सारे लोग होने चाहिए। देन एस्टेब्लिश अल्टरनेट कम्युनिकेशन लिंक्स, जो टेलीफोन लाइन्स हैं टूट गई होती हैं, लोगों को मोबाइल जो होते हैं लाइट नहीं होती तो डिस्चार्ज हो चुके होते हैं, ऐसे में अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन हमें डेवलप करने पड़ते हैं, कहीं कनस्तर बजा के लोग करते हैं, कहीं लाइट जला के, आग जला के धुआं दिखाते हैं उससे बताते हैं कि हम यहाँ पर हैं, कहीं पर भोपू लगा के बड़े बड़े माइक लगा के अनाउंस की जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो ये सारे के सारे अल्टरनेट कम्युनिकेशन जो लिंक्स होते हैं वो वहाँ पर एस्टेब्लिश किए जाते हैं। देन कंट्रोल्ड किचन टू सप्लाई फूड, फूड की सप्लाई के लिए कंट्रोल्ड किचन ऑर्गेनाइज किए जाएँ। कैटल कैंप्स अगर कहीं पर जरूरत है तो ऑर्गेनाइज किए जाएँ, जहाँ पर उनको खाना दिया जाए, उनके मेडिकल चेकअप किए जाएँ। ग्रांट ऑफ इमरजेंसी रिलीफ टू ऑल द अफेक्टेड पीपल, सभी के सभी जितने भी अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए एक इमरजेंसी रिलीफ ग्रांट की जाए, उनको एक फंड दिया जाए। सबमिशन ऑफ डेली रिपोर्ट, साथ में यहाँ की जहाँ भी कहीं फ्लड आया है वहाँ की डेली रिपोर्ट डिसेमिनेट की जाए, लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाए, उसमें कोई र्यूमर ना फैले मास मीडिया के थ्रू। रिहेबिलिटेशन ऑफ होमलेस, जो लोग होमलेस हो गए हैं जिनके घर बर्बाद हो चुके हैं उनका रिहेबिलिटेशन किया जाए। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है उनको डिसकंटिन्यू जो हो चुकी है उनको दोबारा से कमेंस किया जाए, दोबारा से उनको स्टार्ट किया जाए। एंड रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, हमारे पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, रिपेयर किया जाए। हेल्थ मेजर जो भी अपनाने हैं वो अपनाए जाए टाइमली। एक और डिजास्टर होता है बेटा अर्थक्वेक, जो कि बहुत कॉमन है, हम लोग दिल्ली में भी कई बार फेस करते हैं। एन अब्रप्ट एंड ट्रिमेंडस रिलीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉक्स एंड द अर्थ क्रस्ट टू द एक्शन ऑफ टेक्टोनिक प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड एज एन अर्थक्वेक, जो हमारी जो अर्थ के अंदर जो प्लेट्स हैं उनके बीच में एनर्जी होती है रॉक्स के बीच में, वो जब रिलीज होती है एकदम से तो वाइब्रेशन होता है, वो अर्थक्वेक कहलाता है। और अर्थक्वेक जो होते हैं इंसर्ट इन इन सर्टेन रीजन्स ऑफ अर्थ अर्थक्वेक ऑकर विद रेगुलरिटी, जैसे जापान में रेगुलरली अर्थक्वेक्स आते हैं, समुद्र के अंदर बहुत सारे अर्थक्वेक रेगुलरली आते हैं, लगभग रोज कई कई अर्थक्वेक पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आ रहे होते हैं। अर्थक्वेक बाई देमसेल्फ डू नॉट कॉज कैजुअलिटीज, अर्थक्वेक अपने आप में कोई कैजुअलिटी क्रिएट नहीं करता है, लेकिन जो घर बने होते हैं, जो पूरा कंस्ट्रक्शन होता है जिनका, या फिर जो पुराने घर बने हुए होते हैं वो कलेप्स हो जाते हैं ड्यू टू अर्थक्वेक। डेंसिटी जो होती है इसकी रिक्टर स्केल पर नापी जाती है, जितना ज्यादा उस पर जो है अमाउंट हो, जितना ज्यादा मेजरमेंट होगा उतना ही उसकी डेंसिटी होगी। और अर्थक्वेक प्रिडिक्शन एंड नंबर ऑफ जगह, हाँ भाई एक एक चीज और है कि अभी कोई वे नहीं है जिससे हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर पाए, अभी कोई भी हमारे पास ऐसा कोई कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर पाए। इवन देन इसके लिए कुछ जियोफिजिकल और कुछ जियोकेमिकल पैरामीटर्स हैं जिनको अगर कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व किया जाए तो कुछ सिम्टम्स पता चल जाते हैं, कुछ प्रिकर्सरी चेंजेस होते हैं जिनसे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अर्थक्वेक आ सकता है। वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं आपके सिलेबस में। लैंड डिफॉर्मेशन, टिल्ट एंड स्ट्रेन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस विच आर ऑब्जर्व वेल बिफोर द अर्थक्वेक, टिल्ट और स्ट्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं जो कि अर्थक्वेक से पहले दिखाई पड़ते हैं। देन बहुत सारे स्मॉल शॉक्स आते हैं किसी जगह पर, अर्थक्वेक के छोटे छोटे शॉक्स आते हैं, और फिर जब कोई बड़ा आना होता है, कोई मेन अर्थक्वेक आने वाला होता है, उससे पहले बिल्कुल वो कम हो जाते हैं, घट जाते हैं। इसके अलावा जो लंगिट्यूडनल वेव्स होती हैं
उनकी वेलोसिटी उस एरिया में घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, एंड देन बिकम्स नॉर्मल प्रायर टू एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने के जस्ट पहले नॉर्मल हो जाती है, और इलेक्ट्रिकल रेडियो रेजिस्टिविटी उस ग्राउंड की डिक्रीज हो जाती है। और रेडॉन एक रेडियो एक्टिव गैस होती है, ऐसे जो प्रायर जो कि प्रोन एरिया होते हैं अर्थक्वेक के, वहां पर अर्थक्वेक से पहले बढ़ जाती है, रेडियो एक्टिव गैस है रेडॉन, ये बढ़ जाती है उस एरिया की लैंड में, जमीन में। Then coordination between government, local NGOs and local community initiatives for both the rescues well as rehabilitation needs to be strengthened as this can cause delay, overlaps and waste of relief materials and effort. Coordination चाहिए government, NGO और local communities के बीच में, जो भी initiative लिए जा रहे हैं और जो भी rescue किए जा रहे हैं उसमें, ताकि कोई वहाँ पर delay ना हो, कोई overlapping ना हो और relief material का wastage ना हो, efforts का wastage ना हो, इसलिए कोऑर्डिनेट करना चाहिए। देन इज साइक्लोन, ये हमारी थर्ड हजार्ड है। साइक्लोन इज अ मेटेरोलॉजिकल फिनोमिनन ऑफ इंटेंस डिप्रेशन फॉर्मिंग ओवर द ओपन ओशंस एंड मूविंग टुवर्ड्स द लैंड ऑन द शोर। आपको याद रखनी है इनकी सबकी डेफिनेशंस बेटा। इन रीचिंग द शोर्स इट मूव्स इनटू द इंटीरियर ऑफ द लैंड और अलोंग द शोर। ये जब ओशियन के अंदर से आता है साइक्लोन और आकर के लैंड पर, वहां के शोर लाइंस पर घुस जाता है, जाकर के वहां पर अफेक्ट। साइक्लोन वंस फॉर्म, एक बार अगर फॉर्म हो गया तो ये कई कई दिन तक, कई कई हफ्तों तक ये इफेक्ट कर सकता है, और बहुत बड़े एरिया को ये एक तरह से क्या है कि इफेक्ट कर सकता है, उसकी इंटेंसिटी पर, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन आर मोर प्रोन टू साइक्लोन। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन जो है बहुत प्रोन है। इसके अलावा इंडियन ओशियन जो हमारा है उसे भी साइक्लोन प्रोन रीजन में, छह जो मेजर हैं उनमें एक गिना जाता है। राजस्थान मैनेजमेंट शुड एम एट रिड्यूसिंग द इंपैक्ट ऑफ द थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ अ साइक्लोन। कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है वो तीन इफेक्ट्स को कम करने की कोशिश करता है। हाई स्पीड विंड्स आ रही हैं, उनको किसी तरीके से कम करने की कोशिश की जाती है, उनके रास्ते में ऑब्स्टेकल डाले जाते हैं ताकि वो उनसे कम हो जाए। देन स्टॉर्म सर्ज, स्टॉर्म्स जो हैं, स्टॉर्म सर्ज एंड लोड कॉज्ड बाय हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेनफॉल। जो लोड आ जाता है एकदम से भारी बारिश की वजह से, उसको एक तरीके से रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। फोकस देयरफॉर हैज टू बी ऑन द फॉलोइंग। इसलिए फोकस किन चीजों पर होता है, इन तीनों को काम को करना है हमें, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम अंडरटेकिंग द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन जो है उसका फॉर्मेशन कैसे, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो डेवलप किस तरीके से हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और किस डायरेक्शन में जाएगा, वो चीजें हमने पहले एक तरीके से एनालाइज कर लिया। कैपेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग साइक्लोन विदाउट वाइल आउट ऑफ सी। जब साइक्लोन जो है जिस टाइम निकलेगा सी से बाहर जाएगा, उस टाइम उसकी क्या कैपेबिलिटी होगी उसको डिटेक्ट करना। देन द कैपेबिलिटी टू प्रिडिक्ट देयर मूवमेंट एंड बिहेवियर, किस तरीके का इसका बिहेवियर रहेगा और किस तरफ को इसका मूवमेंट रहेगा, क्या डायरेक्शन रहेगी, उन चीज़ों को एक तरीके से प्रिडिक्ट करना। कैपेबिलिटी टू वार्न वल्नरेबल पीपल इन टाइम, जो वल्नरेबल पीपल हैं, जो इसके विक्टिम बन सकते हैं, उनको टाइम पर ही वैलेंट टाइम उनको इन्फॉर्म करना, वार्न करना। मेजर्स फॉर साइक्लोन प्रिपेयरनेस बोथ इन एडवांस एंड ड्यूरिंग अ साइक्लोन। प्रिपेयरनेस साइक्लोन से पहले भी और ड्यूरिंग द साइक्लोन भी प्रिपेयरनेस है ना। एंड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन आफ्टर द साइक्लोन। साइक्लोन आया चला गया, उसके बाद रिलीफ और रिहेबिलिटेशन वहाँ के अफेक्टेड लोगों को। एंड इंटीग्रल हजार्ड मेडिकेशन पॉलिसी, एक इंटीग्रल पॉलिसी जिसमें की सारी चीज़ों को किया जाएगा, जो भी जहाँ जो जिसको जरूरत होगी वो किया जाएगा, ये होती है इंटीग्रल हजार्ड मेडिकेशन पॉलिसी। The first four are essentially based on meteorology and the rest are in the field of planning, organizing and implementation. चार जो है शुरू के meteorology है, meteorology पर based है, और बाद के चार जो है organizing and implementation पर based है। Mitigation measures क्या होते हैं इसके लिए? Installation of early warning systems. आप किसी भी जगह पर cyclone से बचने के लिए early warning systems को install कर सकते हैं। Developing communication infrastructure, communication infra को आप develop कर सकते हैं वहाँ पर। डेवलपिंग शेल्टर बेल्ट आपने डेवलप कर ली, जहाँ पर वहाँ के अफेक्टेड लोगों को लेकर करके आप वहाँ पर थोड़ी टाइम के लिए वहाँ पर भेज देंगे ताकि वो लोग बचे रहें। एंड ट्रेनिंग एंड एजुकेटिंग ऑन लेटस कंट्रोल एंड सेटलमेंट प्लानिंग, जो भी वहाँ पर कोई इस तरह की चीज़ें आ रही हैं उसके लिए लोगों को ट्रेन करना, उनको एजुकेट करना, ताकि लॉस कम से कम हो और जो रिलीफ मिल रहा है उसका बेनिफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें। ये था आपका जो है साइक्लोन। देन इज लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड्स आर रिकरिंग फिनोमिना इन द हिमालयन रीजन। हमारे यहाँ हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड एक रिकरिंग फिनोमिना है, रिपीटेडली वहाँ पर देखे जाते हैं। इट इज अ जियोलॉजिकल प्रोसेस विच इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ मास मूवमेंट्स सच एज रॉक फॉल्स, द फेलियर ऑफ स्लोप्स एंड शेलो डेबिस फॉल्स। यहाँ पर रॉक्स फॉल्स होता है, स्लोप्स गिर जाते हैं एक तरीके से, और
शैलो डेब्रीज जो होती हैं वो भी कई बार फ्लो कर जाती हैं। ऑल द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ओवर स्टीप एंड स्लोप इन द प्राइमरी रीजन फॉर अ लैंडस्लाइड। तो स्लोप है या कहीं पर ओवर स्टीप है, बहुत ज्यादा कोई तीखे मोड़ है, कोई तीखे तीखे ऐसे कोई ऐसी चीजें बन गई हैं जिनको बैलेंस नहीं बन पा रहा है, कुछ चीजें डिसबैलेंस हो गई हैं, तो वहां पर एक तरीके से लैंडस्लाइड के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। दे आर अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओरिजिनल स्लोप स्टेबिलिटी लाइक इरोजन बाय रिवर्स। रिवर्स की वजह से कहीं पर इरोजन हो गया तो लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहीं पर ग्लेशियर्स हैं या ओशियन वेव्स हैं, उनकी वजह से स्टेप बन जाते हैं, स्लोप बन जाते हैं, उससे लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में सडन ग्रेजुअल इधर इन इट्स कंपोजिशन स्ट्रक्चर हाइड्रोलॉजी और वेजिटेशन। कहीं पर किसी जगह पर वहाँ का वेजिटेशन चेंज हुआ, वहाँ का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, वहाँ का कंपोजिशन चेंज हुआ ग्रेजुअली, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकते हैं। इसके अलावा किसी जगह का जियोलॉजी चेंज हो रहा है, किसी जगह का क्लाइमेट वेदर चेंज हुआ, किसी जगह पर लैंड यूज चेंज हुआ, अर्थक्वेक आए, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकता है। रॉक्स एंड सॉइल स्लोप्स आर वीकेंड थ्रू सैचुरेशन बाय स्नो मेल्ट एंड हैवी रेन। किसी जगह पर हैवी रेन होता है या स्नो मेल्ट करता है, उससे भी रॉक्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, सॉइल वीक हो जाते हैं, सॉइल स्लोप और लैंडस्लाइड हो जाता है। वॉल्केनिक करप्शन जो होते हैं उनकी वजह से भी जो है लूज एश डिपॉजिट हो जाती है, और जब बारिश आती है तो सारा का सारा फ्लो कर जाता है, वॉश आउट हो जाता है, तो उससे भी कई बार लैंडस्लाइड हो जाता है। ट्रैफिक की वजह से वाइब्रेशन है, मशीनरी की वजह से वाइब्रेशन है, या थंडर की वजह से बिजली चमकी उसकी वजह से वाइब्रेशन हुआ, या फिर किसी जगह पर कुछ ब्लास्ट किए जा रहे हैं डायनामाइट लगा के, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकता है। वीक स्लोप जो होते हैं वो लैंडस्लाइड कर वो स्लाइड कर जाते हैं। एंड ग्राउंड वाटर का प्रेशर कई बार जो होता है वो भी जो स्लोप होते हैं उनको डिस्टेबलाइज कर देता है। इसके अलावा एक्सेस वेट, कभी किसी जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कहीं पर कोई एक तरह से जो स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं पर बर्फ के टुकड़े टूट टूट के गिर गए, ग्लेशियर्स टूटने लग गए, तो उससे भी क्या होता है कि या स्टॉकिंग ऑफ रॉक और ओर फ्रॉम वेस्ट पाइल्स, कहीं कूड़े के ढेर आ गए ना, या मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी वजह से भी कई बार लैंडस्लाइड हो जाता है। लैंडस्लाइड से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? ड्रेनेज मेजर्स, पानी रोकने ना पाए ताकि कहीं पर प्रेशर ना बने, लैंडस्लाइड ना हो। इरोजन कंट्रोल किया जाए, वहाँ पर बैम्बू चेक डैम्स लगाए जाएं, टेरेसिंग की जाए, टेरेस फार्मिंग की जाए, जूट एंड स्क्वायर नेटिंग बनाई जाए, एंड रॉक फॉल कंट्रोल मेजर्स किए जाएं, ग्रास प्लांटेशन किया जाए उसके लिए। किसी जगह पर आप ग्रास प्लांटेशन कर देंगे तो रॉक फॉल कंट्रोल हो जाता है। वेजिटेटेड ड्राई मॉन्सूनरी वॉक की जाए, मॉन्सूनरी वॉक की वॉल्स बनाई जाए, और प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन एंड इम्प्रूविंग फॉरेस्टेशन। किसी जगह पर फॉरेस्टेशन किया जाए, डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट किया जाए, तो भी लैंडस्लाइड कम हो जाता है। देन इज सुनामी, द लास्ट वन। द टर्म सुनामी कम्स फ्रॉम द जैपनीज लैंग्वेज मीनिंग सो मिसू से हार्बर एंड नामी मिसू से वेव। यस, सुनामी इज जनरेटेड व्हेन द सी फ्लोर अब्रप्टली रिफॉर्म्स एंड वर्टिकली डिस्प्लेसेस द ओवरलाइन वाटर। वर्टिकली जब नीचे से समुद्र में से कोई प्रेशर आता है और ऊपर आकर के ऊपर की जो पानी की जो ओवरलाइन होती है, ऊपर की जो लेयर होती है, उसको डिस्प्लेस करता है, तो उसे सुनामी कहते हैं। ये अंदर किसी वल्कनों के फटने से भी हो सकता है, या फिर कोई अर्थक्वेक आता है उससे भी हो सकता है, या सबमरीन लैंडस्लाइड होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। द वाटर अबव द डिफॉर्म्ड एरिया इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। पानी ऊपर समुद्र का जो होता है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, बैलेंस पोजीशन में होता है, लेकिन जब नीचे से एकदम से प्रेशर आता है तो वो प्रेशर की वजह से पानी दूर तक जाता है और फिर अपनी पोजीशन दोबारा से लेने की कोशिश करता है। इससे वेव्स फॉर्म होती हैं, और वो वेव्स जो फॉर्म होती हैं वो बहुत दूर तक अपना रिगेन करने के लिए, अपने इक्विलिब्रियम को रिगेन करने के लिए बहुत दूर तक जाती है। सुनामी वेव्स कैन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ कमर्शियल जेट प्लेन। कमर्शियल जेट प्लेन जो होता है 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, उस स्पीड से सुनामी जा सकती होती है, और ये एक ही दिन में पैसिफिक ओशन के एक किनारे से दूसरे एक किनारे तक जा सकती है, और इतनी ज्यादा ये एक्सट्रीमली डेंजरस होती है। वेव जो होती हैं जमीन पर पहुंचती हैं तो वहां पर कई बार 30 मीटर तक के जो लैंड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बिल्कुल जमीन में मिलाने की इनमें कैपेसिटी होती है। इंडियन ओशियन में सुनामी आई थी 2004 में, जिसने कि हमारे कोस्टल एरिया जो थे उसको बहुत ज्यादा डैमेज किया था। ऑन दिसंबर 26, 2004 एट 7:59 AM लोकल टाइम था 7:59 AM जब ये सुनामी आई थी। एंड अंडर सी अर्थक्वेक विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 9.1 रिक्टर स्केल पर था, 9.1, जिसने कि इंडोनेशिया आइलैंड के सुमात्रा आइलैंड को, जो इंडोनेशियन आइलैंड था एक सुमात्रा, उसको उसके कोस्ट को स्ट्रक किया था। उसके 7 घंटे के अंदर सुनामी आ गई थी हमारे यहाँ, जो कि एक सीरीज थी पूरी की पूरी इमेंस ओशियन वेव्स की, जिसने कि हमें ट्रिगर किया था, हम सब पर स्ट्राइक किया था एक तरीके से, और
उसका हमें बहुत ज्यादा इसका डिवास्टिंग कोस्टल एरिया एज फार अवे एज ईस्ट अफ्रीका, इतना दूर था वहां तक आकर के भी उसने अटैक किया था। सम लोकेशंस रिपोर्टेड दैट द वेव्स हैड रीच्ड अ हाइट ऑफ 30 फीट, 9 मीटर्स तक गई थी ऊंची ये वेव्स, और मोर व्हेन दे हिट द शोर लाइन, जब वो शोर लाइन को हिट कर रही थी तो 9 मीटर तक उनकी ऊंचाई थी। डीलिंग विद डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर कैन स्ट्राइक सडनली अनएक्सपेक्टेडली एंड विद और विदाउट वार्निंग। कोई भी नेचुरल डिजास्टर जो होता है वो वार्निंग के साथ भी आ सकता है और बिना वार्निंग के भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड भी हो सकता है। तो इसके लिए ऑल सोशल इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी लाइफ, जो कि हमारे लिए डिस्ट्रक्शन होता है, नुकसान पहुंचाता है सोशली इकोनॉमिकली, कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाता है और साथ में हमारे कल्चर को नुकसान पहुंचाता है। लार्ज नंबर ऑफ एजेंसीज लाइक रेवेन्यू, पुलिस, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फायर ब्रिगेड हैव अ पार्ट इन डीलिंग विद डिजास्टर एंड रिहेबिलिटेशन। ये सभी की सभी एजेंसीज मिल करके काम करती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इफेक्टिवनेस ऑफ द रिस्पॉन्स डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल द इमरजेंसी सर्विसेज बोथ लोकल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव हार्मोनाइज्ड। इफेक्टिवनेस किसी भी रिस्पॉन्स की इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है, हमने उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट किए हैं, उस इमरजेंसी के लिए हमने कितनी प्रिपेयर्डनेस अपनी रखी, हम कितने तैयार हैं, कितने हम ट्रेंड हैं। तो कंक्लूजन है, इसका हम पढ़ लेते हैं एक बार कंक्लूजन। इंडिया इज अफेक्टेड बाई फ्रीक्वेंट एंड डिवास्टेटिंग डिजास्टर। इंडिया में बहुत सारे डिवास्टेटिंग डिजास्टर्स आते रहते हैं। इट्स अ वास्ट एक्सपेंस एंड वेरिड जियोक्लाइमेटिक फीचर्स ऐड टू द वाइड वैरायटी ऑफ डिजास्टर्स दैट स्ट्राइक आवर प्लान। यहाँ पर अलग अलग तरह के बहुत तरह के हमारे पास के क्लाइमेटिक फीचर्स हैं, उसकी वजह से कई तरह की जो कैजुअलिटीज हैं यहाँ पर होती रहती हैं। इंडिया हैज टेकन स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टू मूव फ्रॉम रिलीफ बेस्ड रिस्पॉन्सेज टू इक्वल एम्फेसाइज ऑन प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिलीफ, रिस्पॉन्स, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। प्रिवेंशन मीन्स उसे हमने प्रिवेंट करना है, हमने किसी भी कैजुअलिटी को होने ही नहीं देना है। मिटिगेशन मीन्स उसे हमने उसके लिए पहले से रेडीनेस रखनी है, कुछ जो प्लानिंग कर सकते हैं कर ली, प्रिपेयर्डनेस कर ली हमने, रिलीफ दे दिया, कोई कैजुअलिटी आई तो रिस्पॉन्ड किया उस टाइम पर हमने, कोई भी कैजुअलिटी उसके दौरान हम उसके कैसे डील कर रहे हैं, उससे हम कैसे लड़ रहे हैं। देन रिकंस्ट्रक्शन, जो भी चीज़ें हमारी टूट गई हैं, जो मरम्मत मांग रही है उनको हमने रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, जो खत्म हो गई है उनको हमने रिहेबिलिटेट कर लिया। ये हमारी पूरा का पूरा इस पर इंडियन जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत सीरियसली इस पर काम कर रही है। द डोनल मिनिस्ट्री हैज शिफ्टेड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2002। 2002 में जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री थी पहले डिजास्टर मैनेजमेंट की, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हुआ करती थी, लेकिन 2002 में इसको 2002 में शिफ्ट कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। अब ये इसका काम पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज हैज बीन ब्रॉट बाय द पैसेज ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। 2005 का हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ है उसने सबसे बड़ा हमारे लिए एक रोल प्ले किया। बेटा डिजास्टर की स्पेलिंग कई जगह गलत हो गई है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, DISASTER होता है बेटा, है ना। इट हैज एंश्योर्ड द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर मैनेजिंग डिजास्टर्स एंड इट प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एंड फंडिंग एट द नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इस एक्ट की वजह से आज हम सबकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की और जो लोकल हमारी बॉडीज होती हैं उन सबकी एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि हम कोई भी ऐसा डिजास्टर होता है तो उससे हम मिल करके हम लोग लड़ेंगे। इंडिया इज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ इंटेंस प्रिपेयरनेस फॉर ऑल द डिजास्टर। हम लोग प्रिपेयरनेस के एक इंटेंस फेज से अभी फिलहाल गुजर रहे हैं। द मिशन इज टू बिल्ड अ डिजास्टर रेजिस्ट कम्युनिटी। इस एक्ट का और हमारे एक गवर्नमेंट का पूरा मिशन है कि हम एक डिजास्टर रेजिस्ट कम्युनिटी बना सकें जो कि हर तरह के डिजास्टर से डील कर सके, उसमें कम से कम उसका नुकसान हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो ले सके। एक ऐसा मैकेनिज्म हमें तैयार करना है, इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये हमारा एक मिशन है। इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं, पहला तो आपका बनता है व्हाट इज डिजास्टर, डिस्क्राइब डिजास्टर, डिस्क्राइब मैनेजमेंट, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट आपका एक क्वेश्चन ये बनता है। मिटिगेशन, उसमें आप व्हाट इज मिटिगेशन का आपका क्वेश्चन बनता है। देन डिस्क्राइब द इम्प्लिकेशंस ऑफ अर्थक्वेक, साइक्लोन एंड सुनामी डिजास्टर्स। देन एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, आपका मेन ये आता है एक तरीके से ना। लिस्ट वेरियस प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेशन मेजर्स फॉर कम्पीटिंग सच नेचुरल डिजास्टर्स। इसमें से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके यही बनते हैं कि आपका किस तरीके की जो है, क्या क्या जो है कैजुअलिटीज होती है, क्या क्या डिजास्टर्स होती हैं, उनके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या उसके लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं उससे बचने के लिए, क्या क्या मिटिगेशन प्रोसीजर्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप इसमें से बन सकते हैं। आप इनको इसी हिसाब से तैयारी कीजिए बेटा और उसी हिसाब से आप लोग पढ़िए। कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटे। लेसन 8 कंप्लीट होते ही बेटा आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लेसन 9 जो है आपका वो प्रोजेक्ट वर्क है, वो मैं आपको दोनों को इंग्लिश और हिंदी वालों को कॉमन बताऊंगी। उससे एक लास्ट वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, मैं बहुत जल्दी आपके लिए शेयर करूंगी। और इसके साथ आपका एनवायरमेंटल साइंस का और पर्यावरण अध्ययन का हिंदी मीडियम का दोनों का ही सिलेबस अलग अलग मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी कंप्लीट हो चुका है। आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। चैनल बेटे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के भी वीडियो मिलते रहें और ये सारे वीडियोस भी एग्जाम तक आपको बार बार सर्च ना करने पड़े। तो हैव अ ग्रेट डे अहेड बेटा। जय हिंद, जय भारत।